तेलंगाना पुलिस ने मंगलवार को विश्वसनीय बाल विकास सेवा को 25 दिन की बच्ची को विश्वसनीय जानकारी के आधार पर सौंप दिया है, जिसमें एक बच्ची को गैर कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से गोद दे दिया गया था। आपको बता दें कि रविशंकर और प्रेमलता बासबा मंडल जीवंगी गांव के इस जोड़े की शादी के 20 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं होने पर इसलिए दंपति ने गांव के ही बुदागाज गाला सयम्मा और मणिकन्यापा से बच्चे को गोद ले लिया था, जिसकी वजह से पुलिस ने हस्तक्षेप किया क्योंकि दंपति ने कोई भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना बच्चे को गोद ले लिया था। उपनिरीक्षक लक्ष्मीया ने दोनों जोड़ों को सलाह दी और बच्चों को अपनाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा।